वेलकम बैक बुआ जी चलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के अगले एपिसोड में मतलब इनवर्स फंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट ही फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन जो है क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं अभी वन वन पढ़े हैं ऑन टू फंक्शन पढ़े हैं इन टू फंक्शन हैं और ऑन टू फंक्शन पढ़े हैं अब उसी तरह जैसे कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिए होंगे और क्या कहते हैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में चलते हैं कि जब कोई फंक्शन हमारा समझ लीजिए कि इन्वर्स फंक्शन है क्या इनवर्स फंक्शन में इन्वर्स ऑफ फंक्शन अगर कोई भी फंक्शन का जो इनपुट डालते हैं डोमेन में जो आउटपुट मिलता है तो वो हमारा रेंज हो गया उस आउटपुट वाले को फिर क्या है कि जिस फंक्शन में आउटपुट डालें जो हमारा जो इनपुट डाले तो वह मिल जाए फिर से तो अगर वो मिल जाएगा सेम वही चीज मतलब वह फंक्शन जो है आपका वन वन भी हो जाए और क्या है कि ऑन टू भी हो जाए वन वन भी हो जाए और ऑन टू मत दैट मीन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी फंक्शन का हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स पॉसिबल होगा ठीक है अगर मान लिया जाए कि ये फंक्शन है एग्जाम्पल के तौर पर ही देखिए कि अगर हमारा एक फंक्शन है जैसे इसमें डोमेन ए और ये फंक्शन है इसको सेट ये फंक्शन एफ है इसमें कोई एलिमेंट एक्स रहा है इसका जो मै ठीक इसमें मैपिंग कर रहा था इसका आउटपुट क्या दिया एफ एक्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाई ठीक इसी का जब इनपुट इसमें डालते हैं अगर कोई फंक्शन है इसमें क्या है कि अगर एक फंक्शन हम लोग मानते हैं कि यही को एफ इन्वर्स बोलते हैं या इसी को बोलिए कि अगर जी फंक्शन में अगर हमारा वाई डाल देते हैं तो हमारा क्या आउटपुट मिल जाए यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स मिल जाए इसमें डालेंगे वाई तो ये हमारा इनपुट तब यह फंक्शन जो होता है इनवर्स में जो फंक्शन था वही क्या क्या हो जाएगा एक्स हो जाते ऐसे फंक्शन जो होंगे जो इनपुट इधर से डाले डोमेन में जो फंक्शन डिफाइंड है उसका आउटपुट जैसे सपोज कीजिए क्या मिल गया हमारा वाई मिल गया जब वाई को इनपुट में डालते हैं इधर से तो हमारा एक्स दे देता है ऐसे फंक्शन में यही यही फंक्शन जो होता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है देखिए ना फॉर एग्जाम्पल में अगर सपोज कीजिए कि, कि एक सेट a है दूसरा सेट जो है हमारा क्या है b है इस फंक्शन में जैसे ए फंक्शन मैपिंग कर रहे हैं वन टू थ्री फोर अगर सपोज किया जाए कि वन का जो मैपिंग हो रहा है किससे हो रहा है फाइव से उससे ठीक क्या है कि टू का मैपिंग अगर मान ली सिक्स से यहां पे देखिए इसका कितने से दे रहे हैं सेवन से इसका देखिए एट से तो यह फंक्शन जो है एप है यहां पे जो देख रहे हैं कि ए फंक्शन मान लीजिए आप कि लेट ये जो फंक्शन एफ इज डिफाइन विच इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी ये क्या है कि डोमेन है इनपुट का इसमें सारा एलिमेंट का एक न एक इमेज किसमें होना चाहिए को डोमेन में बी इज ए को डोमेन एलिमेंट इसमें एक भी एलिमेंट अगर छूट जाता है जिसका कोई प्री इमेज हमारे इस फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा तो वह फंक्शन क्या होगा इन टू फंक्शन जो जान रहे हैं आप तो जब यह फंक्शन जो है यह डिफाइंड है कैसे देख लीजिए इज डिफाइंड बाई क्या हमारा है वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड सच दैट ताकि एफ जो हो जाएगा एफ इज वन वन ऑन टू फंक्शन दैट इज क्या हो जाए हमारा बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए यहां पर देखिए इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव ये हो गया वन वन एक का मैपिंग इधर तो जो इधर से अगर किसी फंक्शन का इसमें मैपिंग कर रहे हैं इसमें किसी फंक्शन का इसमें एक हमारा इनपुट जिसे सपोज कर लीजिए कि इसमें हमने क्या लिया x इसका आउटपुट जो है फंक्शन में हम लोग डालते हैं फंक्शन में x इनपुट डालते ही हमको क्या मिल जाएगा y तो ये जो y मिल गया ठीक जी फंक्शन में अगर कोई फंक्शन में वाई डालने के बाद हमारा सारा एलिमेंट एक्स मिल जाए तो ये जो जी फंक्शन है इसी को क्या बोलेंगे इस फंक्शन का इनवर्स बोलेंगे इनवर्स ऑफ एक्स जब बाइजेक्टिव होगा यहां पे फंक्शन जब बाइजेक्टिव होगा यहां पे एंड एवरी एलिमेंट ये देखिए डोमेन है यहां पे एवरी ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट कौन सा वाई जिस किसमें है बिलोंग्स टू बी हैविंग हैविंग प्री इमेज प्री इमेज प्री यूनिक यूनिक बोलते हैं यूनिक प्री इमेज इन किसमें डोमेन में फंक्शन के देन सच दैट सच दैट देख लीजिए यहां पर जी जो है यह डिफाइंड कितना है बी टू एन हमारा क्या हो जाएगा जी फंक्शन जो हो जाएगा जी इज फंक्शन जी इज कॉल्ड क्या है यहां पर इनवर्स ऑफ एफ हो जाएगा मतलब क्या है साफ साफ देख रहा है कि फंक्शन का मैपिंग किससे हो रहा है यहाँ पर देखिए तो डोमेन ए डाले हैं तो ये फंक्शन इसमें डिफाइंड किए हैं तो ये वन वन ऑन टू फंक्शन है हमारा और इसका जो देख रहे हैं कि इस एलिमेंट का ईच एलिमेंट हैविंग यूनिक प्री इमेज इसमें देखिए इसमें प्री इमेज होगा एक ही होगा इस तरह से कि जी जो है डिफाइंड किया जाए बी टू ए तीन इतना होता है दैट इज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जी फंक्शन में अगर वाई डाले तो क्या मिल गया एक्स मिल गया जब कभी हमारा क्या है सच दैट क्या है कि जब हमारे फंक्शन में क्या है हमारा वाई क्या मिला था एक्स डाले थे इनपुट तो क्या मिलेगा वाई मिलेगा इसीलिए हमारा जो फंक्शन होगा ये वाला तो इस फंक्शन को इनवर्स बोलेंगे इनवर्स ऑफ एफ जो फंक्शन हमारा गिबेन है वही इनवर्स ऑफ फंक्शन है इतना होगा ठीक है ये समझ में आ रहा होगा ही इनवर्स समझिए यहां पर जैसे एग्जांपल में यहां पर अगर ऐसे लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज किया जाए कि इनपुट हम लोग दिया गया फंक्शन जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को देख लीजिए फंक्शन में यहां पर देख रहे हैं यार फंक्शन ऑफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव जब बाइजेक्टिव हो गया तो फंक्शन जब हम वन रखें तो उसका आउटपुट क्या मिला इतना जब टू रखें तो क्या मिला है सिक्स थ्री रखें तो क्या मिला है हमारा सेवन यहाँ पर देख लीजिए फोर रखें तो क्या मिला है हमारा एट तब यहां पर देख लीजिए जी में अगर थी किसी का हमारा यहाँ पे देख लिया जाए कि जब हमारा एफ इनवर्स में जब फाइव डालिएगा तो उसका आउटपुट वन मिलेगा ठीक है उसी तरह यहां पर देख लीजिए सिक्स डालिएगा एफ इनवर्स उसी को बोलते हैं तो क्या हो गया टू समझ में आई बात ऐसा जो फंक्शन होगा जो भी वन वन होगा ऑन टू फंक्शन होगा वह फंक्शन हमारा क्या होगा बायजेक्टिव फंक्शन होगा अब बायजेक्टिव फंक्शन का ही हमारा इनवर्स फंक्शन ऑलवेज पॉसिबल होगा वरना अदर कोई भी फंक्शन होगा तो उसका नहीं होगा ठीक है चलते हैं हम लोग आगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह समझ लीजिए अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा यहां पर देख लीजिए प्रॉपर्टीज अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए ठीक है अगर सपोज कर लीजिए कि एफ जो है एफ फंक्शन एफ जो है डिफाइंड कितना है ए टू बी बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हमारा बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया कि वन वन टू फंक्शन सच दैट यहां पे कि अगर कोई फंक्शन यहां पे जी इज डिफाइंड बाई विच इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए तब हमारा जो यह फंक्शन होगा यहां पर देखिएगा कि एफ ऑफ जी फॉग जो कंपोजिट फंक्शन अगर हमारा होगा इसमें या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स ठीक है तो यहां पर फॉग यहां पर देखेंगे ये जो डिफाइंड होगा यह जो हमारा क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन देगा उसका जैसे इसमें कौन डाले हैं जी में क्या है जी का इनपुट आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द सेट ऑफ बी बी जो बी होगा इसका फंक्शन ऑफ एप का जो कोडमैन होगा उसी की बात करेंगे ठीक है तो ये क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट किसके लिए बी की बात करते हैं ठीक है अब इसमें अगर मान लिया कि फंक्शन एफ और जी दोनों का दोनों क्या है हमारा बाइए फंक्शन है कोई दिक्कत नहीं है किसी को समझ में आ रही है यहां पर जब क्या होगा कि यहां पे क्या होगा कि फॉग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये जो मिलेगा या क्या मिलेगा हमको जी में वही आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट बी एंड यहां पर देख लीजिए क्या मिलेगा गॉफ एफ में इनपुट क्या जाना तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ कितना पर क्या रखे इनपुट एक्स है तो एफ का डोमेन हमारा यहां पे ए का सेट होगा बी जी का इनपुट क्या है जी का इनपुट में तो जी के फंक्शन में क्या है बी है इसलिए हम लोग लिखे इतना और एक चीज और देखिए यहां पर यहां पर जो निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ठीक है इसका इनवर्स अगर निकालते हैं इसका मतलब क्या है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ दोनों का दोनों क्या हो जाएगा यहां पे ठीक है क्या करते हैं हम लोग या इनवर्स 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 ठीक है देखिए क्या लिखेगा जी जस्ट जो पढ़े हैं ऑफ क्या हो जाएगा एफ इनवर्स में, या यहां पर देख लीजिए और देखिए जैसे जी ऑफ एफ एक्स इसका जो इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जो भी इसमें इनपुट हो जाए ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा और देखिए कि अगर कोई भी फंक्शन अगर लिखते हैं कि एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका जो इन्वर्स सच दैट जानते हैं कि जो भी इसमें कि इज मैपिंग फ्रॉम टू तो जब यहां पे होगा तो इसीलिए सो so इसीलिए ये जो निकलेगा किसका एफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स उसमें जो हम लोग रखेंगे जो फंक्शन इनवर्स होगा तो इसमें क्या है हमारा फंक्शन में इनपुट ये डाले तो इसमें क्या डालेंगे y डालिएगा तो क्या मिलेगा x मिलेगा ठीक है अगर देखिए ये अब जैसे सपोज कर लीजिए अगर आप करते हैं और ये जो मिलेगा हमारा इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं इनवर्स फंक्शन तो ये जो फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा उसका जो इनवर्स फंक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स इज बाइजेक्टिव अगर बाइजेक्टिव है फंक्शन देन फंक्शन इज द इमेज एलोंग किसके हो जाएगा वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स के जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर ये हमारा क्या है वाई इक्वल टू एक्स अगर सपोज किया जाए कि हमारा ठीक है ग्राफ यहां पर देख लीजिए ग्राफ हम लोग जैसे यहां देखिए ऐसे करते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ऐसे तो यहां पर जैसे कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं कितना है माइनस वन जीरो है ऐसे तो ठीक इसका इमेज जो यहां पर कितना हो जाएगा देखो तो यहां पर कितना है जीरो तो माइनस वन ठीक नहीं लग रहा है कि ऐसे तो ये अगर हमारा फंक्शन है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x तो इसका इमेज कितना हो जाएगा बुआ y इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x ठीक है ठीक यहां पर देख लीजिए अगर कोई और भी ग्राफ अगर घींच रहे हैं इसका ड्रो इसका इमेज यही है y इक्वल टू फंक्शन ये वाई टू एक्स ठीक अगर कोई ग्राफ ये हमारा क्या है ऐसे है तो दूसरा जो होगा ग्राफ कैसे होगा ठीक यहीं पर x एक्सिस एक को काटेगा ऐसे ये लिखते हैं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x तो ये हमारा जो हो जाएगा वाई इक्वल टू इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा ठीक है पूरा का पूरा मिरर इमेज हमारा कौन सा हो जाएगा वाई इक्वल टू ये है एक्स जो है मिरर का काम करेगा देखिए यहां पे इसका इमेज वो बनेगा उसका इमेज ये बनेगा और दोनों फंक्शन जो है, कहा है कहां पे यही कट करेगा किसको ये फंक्शन ये फंक्शन कहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स पे ठीक है इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इजीली और आसानी से हम लोग समझ जाएंगे देखिए अगर यहां पे लिखा है कि क्वेश्चन है आपके पास इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना थ्री एक्स माइनस फाइव फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या है कि इसमें तो कोई डिफाइन नहीं है कि डोमेन क्या है हमारा रेंज क्या है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका यही मतलब है कि एफ इज डिफाइंड विच इज मैपिंग फ्रॉम इंटायर स्केल रियल नंबर टू द रियल नंबर जो डिफाइंड क्या चीज है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव तो इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ये देख लेना है इनवर्स तो फंक्शन के लिए क्या है इसका ठीक यहां पर देखिए ये फंक्शन है हमारा इस फंक्शन में क्या है कि पूरा इंटायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा रियल नंबर तो रियल नंबर कहीं भी आ सकता है तो इसमें जो रियल नंबर है और यहां जो रियल नंबर है इसमें ये जो फंक्शन का मैपिंग हो रहा है जो इनपुट है वो रियल नंबर हम लोग डाल रहे हैं तो यह फंक्शन क्या है सीधे इनवर्स बोला इसका मतलब है कि फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए ऑन टू भी फंक्शन होना चाहिए तो सीधे बोला कि अगर फंक्शन ये है तो फाइंड इनवर्स इतना इसका मतलब वह फंक्शन हमारा वन वन भी है और ऑन टू बी अगर वन वन चेक करने के लिए तो हम लोग तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि जैसे मान लिया जाए कि इसमें क्या है कि एक्स वन एलिमेंट और एक्स टू एलिमेंट वन वन कैसे निकालते हैं उसके बारे में तो हम बताए थे कि अगर मान लिया जाए वन 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 फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ या इसी को क्या बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव क्या है कि अगर ये हमारा कि मान लिया जाए कि x1 और x2 एलिमेंट किसमें हमारा डोमेन में डोमेन में तो जब इसको ठीक फंक्शन ऑफ इसमें रखा जाए इनपुट और इसका क्या करते हैं कि इसमें भी x2 रखा जाए तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए या देखिए ये हमारा आउटपुट है जैसे इसका मिला इसमें इनपुट रखे हैं इतना तो ये फंक्शन कितना हो जाए फंक्शन में क्या रखें एक्स इसमें क्या रखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स टू तो ये तो हमारा आउटपुट मिला तो इसका मतलब ये आउटपुट अगर हम लोग बराबर कर देंगे इक्वल जब इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये इनपुट भी जी हमारा इक्वल होगा क्योंकि यूनिक इमेज बनेगा ना तो यूनिक इमेज बनेगा तो इसका कितना हो जाएगा हुआ देखो था इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो थ्री एक्स वन माइनस फाइव यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री एक्स टू माइनस फाइव इससे तो काट लीजिए इसको कितना हो गया फिर वन फिर एक्स टू ये भी कट जाएगा कांस्टेंट है तो कितना मिल गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारा आउटपुट दोनों इक्वल तो ये हमारा हो गया इक्वल तो इसका मतलब यह फंक्शन क्या है एफ जो है फंक्शन इज वन 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 फंक्शन जब यह इंजेक्टिव फंक्शन वन वन फंक्शन हो गया ठीक इसके लिए ऑन टू

तो ये कैसा ग्राफ है हमारा ग्राफिकली अगर जानते हैं अगर इस फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रो किया जाए तो ग्राफ ड्रो किया जाए तो एक्स इक्वल टू तो जीरो वाई इक्वल टू तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव तो यहाँ से जो ऐसे ये पॉजिटिव है यहाँ पर स्लोप तो यही ना हमारा ग्राफ है कितना वाई इक्वल टू तो कितना थ्री एक्स माइनस फाइव इन्वर्स फंक्शन ये वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं तो यह फंक्शन में एक ग्राफिकल मेथड से अगर कोई भी पैरल लाइन टू द एक्स एक्सिस जितना भी लाइन ड्रो करते हैं उसका देखिए कितना ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वह फंक्शन हमारा वन वन होगा और ऑन टू इसका मतलब है कि उस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा ग्राफिकली मेथड से ये हो गया जैसे अगर मान लिया जाए कि ये ग्राफ है इसका क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इस फंक्शन का एट्स इनवर्स पॉसिबल है एट्स इनवर्स क्या हो जाएगा इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा एट्स इनवर्स पॉसिबल है लेकिन जो फंक्शन अगर मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आप ड्रो करते हैं ये ड्रो किए हैं पैरेलल टू द एक्स एक्स देखिए इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा इसलिए किसी खास डोमेन में कुछ लिमिट होगा डोमेन का कि यहां से यहां तक उस फंक्शन के लिए जब वह फंक्शन हमारा वन वन और ऑन टू हो जाएगा तभी इन्वर्स निकलेगा ठीक है तो ऑन टू के लिए क्या कर ले इसमें हम लोग तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा इसका निकलेगा तो यहां पे हमने ये देखा कि ऑन टू ऑन टू फंक्शन को ही क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव ठीक है सर्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे सर्जेक्टिव का ये मतलब हुआ कि को डोमेन का एलिमेंट सपोज कर लिए हम लोग कि इसमें को डोमेन क्या इसका आउटपुट क्या दे रहे हुआ वाई अगर को डोमेन सपोज कर लीजिए कि लेट वाई जो है इसको क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू बी में जिसको मतलब को डोमेन इसका मतलब है कि को डोमेन का एलिमेंट जो होगा ईच एलिमेंट हैविंग द प्री इमेज यूनिक प्री इमेज यूनिक एक ही होना चाहिए अगर दो अगर हो गया द मेनी हो जाएगा मेनी वन तो मेनी वन का मतलब है कि वह फंक्शन हमारा इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा तो यहां पर देखिए हमने मान लिया कि ये बी एलिमेंट इसमें है और इसमें इसमें डालेंगे क्या होंगे हम लोग एक्स तब ना इसका मैपिंग करेंगे तो हम लोग क्या फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आउटपुट वाई तो वाई हम लोग डालें यहाँ पे तो y डालें तो सिंस जान रहे हैं कि हम लोग क्या लिखे थे y इक्वल टू क्या होता है फंक्शन ऑफ x में डालेंगे तो आउटपुट क्या मिला y अब फंक्शन ऑफ x है कितना आपका यहां पर देख लीजिए तो थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू कितना y यहां से देखिए कितना हो जाएगा कि थ्री एक्स इक्वल टू वाई प्लस फाइव और x इक्वल टू कितना हो गया y प्लस फाइव बाई थ्री अब यहां पे देख लीजिए कि ये जो है y ये y इसमें x मिलना है इसमें क्या क्या डालें कि जो x है ये टोटल का टोटल x इनपुट यहां वाला है तो ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारा तो ये बिलोंग्स टू जो x के बराबर x क्या है हमारा डोमेन डोमेन में होना चाहिए डोमेन में ओके और यहां पे क्या है कि अगर इनपुट डोमेन हो गया तो जानते हैं कि क्या माने हम लोग इक्वल टू कितना बोले हैं कि लेट सिंस इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स तो ठीक x यहां रहने दो तो ये कितना हो जाएगा f इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स ठीक है

इक्वल टू कितना मिल गया हमारा वाई प्लस फाइव बाई थ्री तो ये फंक्शन हो गया इसीलिए इसको चाहे तो एक्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स है तो ये भी चेंज कर दीजिए एक्स प्लस फाइव बाई थ्री ठीक है ये हमारा इनवर्स निकल गया इसका किसका इस फंक्शन का यहीं से निकल जाएगा ठीक है अब देखिए इसका ये मतलब हुआ कि इसमें इनपुट डालें एक्स तो क्या मिला आउटपुट y मिला ठीक है अब यहां पर देखिए f ये इस फंक्शन में x इनपुट डाले थे अब ये y डालोगे तो ये हमारा क्या मिलेगा x? चेक करके देख लीजिए इसको चेक करके देख सकते हैं हमारा ठीक है हम लोग देख सकते हैं कि ये इनवर्स ऑफ x में यहां देख रहे ही x है ना इसको चेक कीजिए फंक्शन में अगर डालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हो? सेम चीज मिलेगा ओके okay? इनवर्स फंक्शन हमारा ऐसे निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है वन वन भी चेक कर लिए हैं ऑन टू भी चेक कर लिए हैं हमारा क्या निकल गया हमारा इनवर्स भी निकल गया देखिए तो क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा एफ फंक्शन ऑफ इतना डोमेन फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड विच इज मैपिंग फ्रॉम कहा वन टू इंफिनिटी यहां ये इसका क्या हो जाएगा हमारा ये क्या है हमारा ये डोमेन है फंक्शन का डोमेन का मतलब है कि यही पॉसिबल होगा उसमें इनपुट जिसका आउटपुट जो होगा इसमें को डोमेन में, में यहाँ से को डोमेन अगर यह बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया रेंज हो जाएगा रेंज किसके रेंज ऑफ किसका हो जाएगा एफ का हो जाएगा जो डिफाइंड है यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइंड है इसके लिए मतलब कि इसमें डिफाइंड का मतलब है कि जो डोमेन हमने इनपुट डाला इसमें वन से लेके इनफिनिटी तक जो आउटपुट मिलेगा यहां से लेके यहां तक के बीच में कुछ भी मिल सकता है ठीक है जब यह फंक्शन बाइए बोल दिया तो इसका मतलब एक सीस इफेक्ट इज ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन ठीक है वन वन और ऑन टू फंक्शन तब वन वन ऑन टू फंक्शन है तो लेट मान लिया जाए कि हमारा क्या इनवर्स के लिए क्या है वन वन फंक्शन लेट अगर हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स इनपुट डालते हैं तो उसमें आउटपुट वाई मिलता ठीक है वाई आउटपुट मिला जैसे हम लोग यहाँ पे एक लेख लीजिए ये एक्स इनपुट ये क्या हमारा डोमेन है डोमेन जो है सेट ए है और ये क्या हमारा सेट बी और ये जो है एफ ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में हम लोग इनपुट क्या डाले एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर आउटपुट क्या मिला वाई ये वाई जो है कहाँ मिलेगा बी में और ये एक्स जो कहा है हमारा डोमेन ए में ए कहा से कहां तक है ए तो लिया लिखा ही है हमारा देखो तो कहां से कहां तक लेना है हम लोगों को ए बराबर देखिए तो कितना लेना है वन से लेके इंफिनिटी और बी जो लेना है ये बी जो है बी कहां से कहां तक है टू से लेके इन्फिनिटी तक ओके okay. तो हम लोगों ने माना है यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स इनपुट डाले हैं जैसे मान लिया जाए कि यहां पर डाले है. तो देख लीजिए यहां पर जब हम बोले वाई तो फंक्शन देखिए यहां पर इसको मानिए तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या है वाई वाई हमारा लेट यहीं पे माने कहाँ है कहां है बिलोंग्स टू बी को डोमेन में बिलोंग्स टू बी को डोमेन में हम यहां पर देख लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा यहां पर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई okay? हम लोग क्या है कि जब माने कि फंक्शन ऑफ एक्स में इनपुट डालें तो उसका आउटपुट वाई मिला तो हम एक्स खोज रहे हैं क्योंकि वाई जो क्योंकि ऑन टू फंक्शन है हमारा वन वन ऑन टू तो वाई ही एलिमेंट इसका है तो इसको बोले कि इनपुट जैसे हम एक्स डालें तो ये तो एक्स कितना है तो इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन भाई कितना होगा एक्स इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स वाई यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो अब हम लोगों को निकालना तो एक्सी है एक्सी के फॉर्म में निकालेंगे कि अगर कोई फंक्शन वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है और उसका जो एक फंक्शन है क्या है दूसरा एफ इनवर्स ऑफ जिसका बी टू ए को डोमेन का इनपुट डालेंगे कोडोमेन का जो वैल्यू है कोडोमेन वह डोमेन हो जाएगा किसका इनवर्स का ठीक है ध्यान देखिए ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन अगर हमारा इन्वर्सिएबल फंक्शन है दैट मीन्स वह हमारा बाइएक्टिव फंक्शन है उस फंक्शन का हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो जब फंक्शन एफ का डोमेन हमारा कितना हो गया ए डोमेन कितना है बी तो जब इसका इनवर्स निकालेंगे इनवर्स तो एफ इनवर्स का डोमेन बी हो जाएगा और ये जो हो जाएगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स कितना हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा तो हमको निकालना क्या है हमारा यहां पर देखे तो एक्स बराबर तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहां पे किसे कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं याद है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए है यही है हमारा तो यहाँ से एक्स बराबर कितना माइनस बी एक्स का क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ किसके एक्स वेरिएबल ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस बी के जगह पर माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वाई का स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पर वन सी के जगह पर वन बाई टू इंटू वन तो एक्स बराबर कितना निकला हुआ एक्स बराबर देख लो तो यहां कितना हो जाएगा वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर ठीक है यहां पर देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा देखो था यहाँ पे कितना हो जाएगा टू ठीक है अब हमारा देखिए इसमें इसमें हमारा आउटपुट देखिए इसका क्या है यहां पर समझ में आ रहा होगा कि यहां पर देखिए एक्स इज डिफाइंड यहां पर साफ साफ देखिए एक्स का वैल्यू अगर एक तो आगे वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर यहां पर कितना है वो देखो तो टू और कितना है हमारा x बराबर y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर बाई टू ठीक है अब यहां पर देखिए ये सबसे पहले ये जो डिफाइंड है एक्स है क्या एक्स है क्या एक्स इज डिफाइंड ये कब हमारा इज डिफाइंड जब कब डिफाइंड होगा जब यहां लग गया स्क्वायर रूट फंक्शन इसका मतलब कब डिफाइंड वाई स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है यही होता है तो जब ये स्क्वायर रूट आ गया ना तो ये x डिफाइंड कब होगा जब ये स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो जानते हैं एक चीज जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई माइनस टू वाई प्लस टू कैसे होगा टू को लिख सकते हैं इसको ग्रेटर देन इसको नंबर लाइन पे माइनस टू प्लस टू इस जगह क्या है कि कोई रख लीजिए थ्री रखिए थ्री प्लस इतना पॉजिटिव हो गया यहाँ पर देख रहे हैं थ्री प्लस इतना पॉजिटिव इसमें देखिए निगेटिव जैसे यहाँ पर रख दीजिए जीरो जीरो माइनस टू प्लस आ जाएगा ये क्या होगा प्लस ये पॉजिटिव बोल रहा है तो कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके कहा तक हमारा यहाँ तक ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं ठीक है बुआ और ये कितना है दो से लेके यहाँ तक का पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का तो इसका मतलब साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा 2 से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं नेगेटिव नहीं अगर नेगेटिव यहाँ पर लेते हैं 2 से उधर जैसे -3 तो -3 अगर लेते हैं तो 3 स्क्वायर तो 9 और ये -4 इसलिए कितना है y पॉजिटिव की बात कर रहा है यहाँ पे देखिए तो कहाँ पे यही डोमेन रेंज है हमारा तो डोमेन क्या है ये डिफाइंड तो है हमारा का माइनस इतना से इतना उसके उधर तो कितना हो जाएगा इसमें टोटल देखो माइनस थ्री अगर के देखो माइनस थ्री प्लस कितना है 9, और 4, 3, अगर तो तो कितना हो हो गया उसका 3 हो गया उसका समथिंग देखो तो इसमें कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखो तो इसका साफ साफ दोनों के लिए डिफाइंड हो रहा है क्या तो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को क्या कि क्या ये हमारा फंक्शन इतना आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए एक्स को ही ना हम लोग लिखते थे कितना यहाँ पर देखिए तो एक्स क्या रखे थे हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स यहां से क्या लिखे एक्स यहां से लाइएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई तो यही ना लिखते बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर बाई टू ठीक है यहां पर देखिए अगर ठीक यहां पर देखिए इसके लिए डिफाइंड कब है इसका मतलब है कि माइनस टू से इधर ले लीजिए इक्वल भी लेते अगर माइनस टू भी इक्वल है ना इक्वल है इक्वल तो यहां से यहां तक टू से लेके यहां तक ठीक है तो लेकिन क्या बोला था इसके इधर ओके okay, वाई से पॉजिटिव वाला तो देख रहे हैं पॉजिटिव यहां से यहां तक निगेटिव वाला नहीं लेना है तो निगेटिव पोर्शन है तो निगेटिव वाला नहीं लेना है हम लोग नहीं लेंगे हम लोग लेकिन कहां से कहां तक इसका रेंज हो गया हमारा दो से लेके फोर्थ कब इनपुट यहां पे डिफाइंड कब है इसी के लिए ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा यही प्लस माइनस हम लोग कितना दोनों ले लीजिए हमारा ठीक है इनवर्स निकल गया इसी को चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें कुछ भी यहां पर अगर इनवर्स फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स जो है इतना है इसी फंक्शन का जो इनवर्स हो गया इतना हो गया इसको चाहे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखिएगा तो सब जगह चेंज कर दीजिए एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई टू लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसको सजा के लिख सकते हैं इसलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा नहीं नीचे सजा हुआ रहेगा आपका ठीक है समझ में आया समझ में आ जाना चाहिए आपको पूरा क्लियर है आपको यहां देखिए साफ साफ आप ये देखिए क्वेश्चन क्या करता है कंसीडर द फंक्शन विच इज मैपिंग फ्रॉम दिस सेट टू द दिस सेट गिवन बाय यहाँ पर जो दिए हुआ ये दिए हुआ फंक्शन फंक्शन में वन डाले तो आउटपुट कितना मिला जब भी डोमेन है तो इसको मान लिया कि ये डोमेन है आपका ये क्या हमारा तो ये क्या हमारा को डोमेन अब फंक्शन जो है ये हमारा एफ है यहाँ पे वन डाले हैं तो इसका आउटपुट कितना मिला है ए से मैपिंग कट गया ठीक है जब दो डालें तो क्या मिला हुआ बी तीन डालें तो क्या मिला हमारा सी ठीक है क्या बोला आप कंसीडर द फंक्शन यहाँ से यहाँ तक सच दैट जो गिवन बाई कि वन इनपुट डाले हैं तो ए आउटपुट मिला है जब टू डाले हैं तो बी मिला है और थ्री डाले हैं तो सी मिला है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स सो दैट एफ इन्वर्स ऑफ एफ इनवर्स जो फंक्शन है उसका इन्वर्स कर दीजिए तो एफ ही आएगा तो चलिए यहां पर फंक्शन है अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है कि इसमें वन टू ए थ्री एलिमेंट्स था ए बी सी इसमें भी वन टू थ्री एलिमेंट्स ये फंक्शन जो है हेयर यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि एफ इज क्या है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन जिसका मतलब है बाइजेक्टिव इसका वन से वन एलिमेंट इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है अगर यही दो एलिमेंट का एक मैपिंग हो जाता तो मेनी वन हो जाता जो पॉसिबल नहीं होता वन वन ऑन टू ही होना चाहिए मैपिंग के लिए तो ये बाइएटिव फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि एफ में अगर वन डाले हैं तो हमारा ए मिला एफ में टू डाले हैं तो बी मिला एफ में कितना डाले हैं थ्री तो क्या मिला हमारा सी तो अब बताइए इस फंक्शन में इनवर्स की बात कर रहा हूं बाइजेक्टिव जब हो गया तो इसका मतलब है कि एफ इनवर्स में ए डालेंगे इनपुट तो क्या मिलेगा वन इसमें एफ इनवर्स में बी डालेंगे तो क्या मिलेगा टू एफ इनवर्स में क्या डालेंगे सी इनपुट तो क्या मिलेगा थ्री इसका ये मतलब है कि इधर जो फंक्शन इसे इसमें कर रहे हैं मैपिंग ऐसे देखिए डाल दे तो इतना यही मिला तो बोलता है कि इनवर्स इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा इनवर्स ऑफ एफर्स एफ इनवर्स क्या हो जाएगा तो जैसे एफ फंक्शन का आउटपुट ये हो गया इनवर्स क्या फाइंड द इनवर्स ऑफ एफर्स इनवर्स इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स तो इनवर्स एफ इनवर्स तो ये हो गया तो इनवर्स ऑफ यहां पर देखिए हमको निकालना क्या है इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स तो एफ इनवर्स का यही ना मतलब हुआ कि एफ इनवर्स का इनवर्स निकालिए एफ इनवर्स का इनवर्स निकालिए तो इस इनवर्स का जो हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो क्या होंगे हमारा देखो F तो एफ निकाले वैल्यू तो ए मिला एफ इनवर्स निकाले तो कितना मिला इतना मिला तो हम लोग फिर इसका इनवर्स निकालते हैं देखो यही इनवर्स जैसे देखते हो एफ में इनवर्स निकाले हैं तो आउटपुट डाले हैं यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि इसी का ठीक यहां से यहां पे इधर निकालिए तो इस इन्वर्स का कितना हो जाएगा ये जो निकाले हैं एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालिए तो क्या मिलना चाहिए तो हम लोग देखिए एफ इनवर्स ऑफ इन्वर्स का इनपुट कितना डालेंगे बुआ तो वन तो कितना मिलेगा ए देखो f इनवर्स इनवर्स ऑफ उसमें आउटपुट क्या है देखो था इसका कितना मिला b तो यहां पर देखो f इनवर्स ऑफ इनवर्स का थ्री डालेंगे तो क्या मिला c तो अब बताइए कि दिस फंक्शन का आउटपुट क्या f का आउटपुट क्या दिया था एबीसी तो f इनवर्स ऑफ इनवर्स का आउटपुट क्या दिया एबीसी हैं क्या हो गया इनवर्स ऑफ़ इन्वर्स जो हो जाएगा कितना बराबर कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जो उसका आउटपुट मिला था वही इसका आउटपुट मिल रहा है तो वह फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ये हुआ कि नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एबीसी और डोमेन वही हो जाएगा ठीक है चलिए और क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए तो क्या है ये अलग ए डिफाइंड बाई ये फंक्शन है ये फंक्शन तो जान ही रहे हैं कि वो हमारा फंक्शन क्या होगा वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा प्रूफ करना है कि एफ इज ए बाइजेक्शन बाइजेक्शन वन वन और ऑन टू आपको दिखाना पड़ेगा बाइजेक्शन दिखाने की बात करेगा तो वन वन भी दिखाना है और टू भी दिखाना है तो इसका मतलब है टू चेक वन वन फंक्शन टू चेक कीजिए आप चेक कीजिए के लिए क्या है कि अगर मान लिया जाए कि x1 और x2 एलिमेंट किस किसमें पाया जाता हुआ ये क्या है यही ना है हमारा इसी में पाया जाता है तो ये देखिए तो किसमें है हमारा डोमेन में डोमेन में अब ये दोनों हमारा क्या है कि जब इसी डोमेन में रखें यहीं पर दिखा देते छोटा सा ये ये डोमेन है ये क्या है रेंज है या को डोमेन बोलेंगे उसी में क्या है कि रेंज के इक्वैलेंट इक्वल हो जाएगा फंक्शन में तो हमारा x1 और x2 ठीक इसका आउटपुट रखेंगे फंक्शन ऑफ x1 रखें तो हमारा आउटपुट यही हो गया और इसका आउटपुट क्या फंक्शन ऑफ x2 हो गया तो जब हमारा चेक यही करना है कि ये इनपुट है तो अब हम लोग चेक कीजिए कि फंक्शन में जैसी आउटपुट जब निकला उधर और दोनों का आउटपुट जब हमारा बराबर हो जाएगा तो इनपुट बराबर होना बहुत जरूरी है सेम रिलेटेड इक्वेशन टू एक्स टू प्लस सेवन ये तो कांस्टेंट टर्म है तो कट गया तो हमारा क्या बन गया हुआ यहां पे एक्स वन बड़ा बड़े एक्स टू तो हमेशा वन वन के लिए लिखेगा कि एफ इज वन वन फंक्शन कभी भी लिख दीजिएगा दैट इज एफ इज इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिव फंक्शन ठीक है इंजेक्टिव फंक्शन तो वन वन चेक करने आ गया इसी तरह कीजिएगा और अब क्या है कि टू चेक वन ऑन टू फंक्शन चेक ऑन टू ऑन टू का ये मतलब है कि हमारे को डोमेन में डोमेन का एलिमेंट एक भी हमारा ऐसा ना रहे कि जिसका यूनिक पीढ़ी इमेज एक ही दो नहीं यूनिक पीढ़ी इमेज कितना होना चाहिए इसमें डोमेन में होना चाहिए ऑफ द गिवन फंक्शन जो फंक्शन होगा तो सपोज कर लीजिए कि इसी में वाई कोई एलिमेंट है एक मान लेते वाई तो बहुत सारा वेरिएबल है उसमें कुछ भी हो सकता है रियल नंबर का पार्ट इसका हम लोग प्री इमेज इसमें खोजने जा रहे हैं कि जो एक्स इनपुट डाल के फंक्शन क्योंकि फंक्शन में एक्स इनपुट डालें तो यह आउटपुट मिलेगा जैसे इसमें रियल का वन डालेंगे तो इसका कितना मिलेगा नाइन मिल जाएगा तो इसमें नाइन डालेंगे तो उधर का हमारा कितना मिलना चाहिए वन आना चाहिए ठीक है तो ऑन टू के लिए क्या है कि मान लिया जाए कि हमारा वाई एलिमेंट किस में पाया जाता है जो कोडोमेन किसमें है कोडोमेन में कोडोमेन में तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन एक्स में इन फंक्शन में इनपुट एक्स रखे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा y. तो X हम लोग निकाल लीजिए क्या होता है तो एक्स के लिए पर कितना हो जाएगा वाई माइनस सेवन एक्स इक्वल टू वाई माइनस सेवन वाई कितना हो जाएगा टू ये एलिमेंट जो है आपका ये क्या होना चाहिए हमारा बिलोंग्स टू ये एक्स है आ एक्स जो होना चाहिए कितना होना चाहिए हमारा ये डोमेन होना चाहिए डोमेन की इक्वल ओके अब चेक कर लीजिए यहां पर कि अगर हमारा फंक्शन यही ना हमारा एक्स इनपुट अगर फंक्शन में एक्स इनपुट रखे हैं चेकिंग करेंगे नाउ देखिए एफ एक्स में तो हमारा वाई आना चाहिए तो इस फंक्शन में जब हमारा एक्स बराबर कितना है ये तो हमारा चेक करके देख लीजिए तो हमारा देखिए तो क्या चेक करना है तो कितना के कितना वाई माइनस सेवन बाई टू फंक्शन में ये जो देख रहा है न, ये ना ये हमारा वाई आना चाहिए तो हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स के जब कितना था एक्स तो इसका कितना हो जाएगा टू एक्स के कितना पर कितना देखो वाई माइनस सेवन बाई टू और कितना है कहा है इसमें प्लस सेवन देखिए इसको इसको काट लीजिए तो कितना बन गया वाई देखिए आउटपुट हमारा यही मिला कि नहीं मिला मतलब इसमें एक्स के जब ये डाले तो जो हमारा क्या आउटपुट वही मिल गया तो चेक कर लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं डोमेन या पूरा का पूरा रियल नंबर है ऐसा अगर यही वाई यहाँ पर कुछ नीचे रहता वाई प्लस वन माइनस तो वन नहीं होता क्योंकि जीरो आ जाता तो अनडिफाइंड हो जाता ऐसा ये एक्स जो होगा हमारा डोमेन है हमारा इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे कितना है वाई माइनस सेवन इक्वल टू टू तो एक्स की जगह पर कितना लिखोगे यहीं से यहां से एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स बराबर देखो था एफ इनवर्स ऑफ वाई तो यहां 2, तो पर डाल कितना कितना यही हो हो गया या ऐसे लिख दीजिएगा जाएगा x minus 7 by 2. दोनों में किसी भी वेरिएबल फॉर्म में एक्स तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलिमेंट्स है अगर इधर एक्स इनपुट रखें तो इधर जो हो जाएगा आउटपुट क्या हो जाएगा जैसे इसका ये मतलब हुआ कि हमारा इस एलिमेंट में जब हम लोग फंक्शन में एक्स रखते हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलता है यहां पे मिलता है टू एक्स प्लस सेवन ठीक है आउटपुट और ठीक इसको रखेंगे इसमें तो इस किस में रखेंगे एफ इनवर्स में क्या चीज टू एक्स प्लस सेवन रखा जाए तो क्या मिलेगा एक्स मिलेगा ठीक है यही हो गया हमारा एफ इनवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्यूबिक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन तो जानते हैं कि अपोजिट इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट का थर्ड में और सेकेंड का फोर्थ में तो ये जो हमारा क्यूबिक फंक्शन है, है देखिए तो क्या है हमारा सिमेट्रिक होगा तो ये हमारा क्या हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन क्या चेक करना है क्या इफ एफ इतना ए बाइजेक्शन गिवेन बाई इतना अगर बाइजेक्टिव दिया हुआ है तब बोल रहा है, एक्टिव है इसका मतलब हमारा वन वन और टू है। हमको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिख दिया नगर कहता कि शो या दिखाएं तो दिखाते तो हमारा क्या है यहां पे जब यहाँ पे यहां डोमेन आई है कोडोमेन ठीक है अब यहां पर क्या बोले कि अगर कोडो तो हम लोग हमेशा ऑन टू में नहीं मानते हैं कि लेट एक्स जो क्या है एक्स वाई किसमें मानते हैं ये बिलोंग्स तो टू किसमें हमारा रियल को डोमेन में को डोमेन में और क्या है कि एक्स मान लेते हैं किसमें है डोमेन किस में डोमेन में डोमेन का एलिमेंट है तो इसलिए अगर फंक्शन में एक्स डालेंगे तो आउटपुट किससे मिलेगा को डोमेन में अब बाइजेक्टिव है तो ये बराबर कितना होगा ये हमारा कितना हो जाएगा रेंज के तो हमारा एक्स चेक कर लो क्या है हमारा तो फंक्शन कितना है एक्स क्यूब प्लस थ्री इक्वल टू वाई एक्स क्यूब के बराबर वाई माइनस थ्री तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा वाई माइनस थ्री पे पावर वाई थ्री देख रहे हैं क्यूबिक रूट है तो अगर निगेटिव भी होगा तब भी उसमें से जैसे माइनस वन का क्यूबिक रूट तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, वन लिखें तो माइनस वन बाढ़ आ जाएगा ठीक है क्यूबिक रूट रहेगा अगर इवेन रहेगा तो पॉजिटिव ही होगा ठीक है ना पॉजिटिव में ही निकलेगा पॉजिटिव ही पॉसिबल होगा स्क्वायर रूट फोर्थ रूट ठीक है तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा ये हमारा देखिए ये क्या था हमारा वाई कितना था रेंज और ये कितना है एक्स जो हो गया ये कितना हो गया अब ये जो वैल्यू होगा डोमेन यही हो गया डोमेन ठीक है अब डोमेन में देख लीजिए डोमेन इसलिए x बराबर कितना यहां से x बराबर कितना निकालो यहां पर डाल दो ये देखो या इसको लिखो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू दोनों हो सकता है ठीक है यही है इसको चेक करेंगे अगर ये हमारा आउटपुट मिला जैसे देखिए सामने या क्या बोल रहे हैं ये और ये से रखे हैं फंक्शन का मैपिंग है ये देखिए तो आर टू आर तो इसमें हम लोगों को कितना मिला फंक्शन ऑफ एक्स जो बोलते हैं कि आउटपुट वाई मिला जब एक्स इनपुट रखे हैं तो वाई मिला तो हमारा जो एक्स है इसका मतलब वाई मिला तो वाई जो है कितना हो गया वाई मिला वाई आउटपुट है इसका मतलब है कि इसमें जो वाई है तो इसका जो वाई अगर इनपुट है इसका तो इसमें क्या हो जाएगा एफ इनवर्स में अगर वाई डालते हैं तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा X मिलेगा ओके okay? तो वही है यहां पे वाई डालेंगे तो इतना मिलेगा तो कोई किसी में डाल दीजिए हमारा इसका मतलब इनवर्स में वाई डाले हैं तो ये है आउटपुट इसमें तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स के फॉर्म में इसमें जो इनपुट मालेगा तो इसका आउटपुट इसमें जो मिलेगा क्या मिलेगा जैसे यहां वाई मिले था तो एक्स माइनस थ्री टू दी पावर वन बाई थ्री मिलेगा इसका आउटपुट ठीक है तो यही हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन चलिए आगे देखिए शो दैट दिखाए कि फंक्शन एफ आर टू आर यहाँ देखे आर एक्सेप्ट माइनस वन इसको छोड़ के जो आउटपुट होगा वह हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा सिर्फ वन को छोड़ के गिवेन बाई फंक्शन इतना इज इनवर्सिएबल दिखाना है कि इन्वर्सिएबल है तो इनवर्सिएबल है तो हमको वन वन भी दिखाना पड़ेगा और ऑन टू भी दिखा देते हैं कि वन इनवर्सिएबल होगा वन वन ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया उसके बाद इनवर्स होता है पहले वन वन के लिए क्या करते हैं लिखिएगा वन वन के लिए क्या करते हैं वन वन फंक्शन के लिए चेक करने के लिए कि अगर दो एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू ये किसका हुआ आर माइनस वन इसका में है ये हमारा डोमेन में अगर इसलिए फंक्शन में हमारा क्या है कि एक्स वन रखें फिर फंक्शन में एक्स टू रखें उसका आउटपुट बराबर कर दिए तो बराबर कर दिए तो यही डाल दीजिए कि x1 वन बाई एक्स वन माइनस वन एक्स टू बाई एक्स टू माइनस वन मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं x1 वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इसको गुना कीजिए x1 वन एक्स टू माइनस एक्स टू ठीक है अब देख रहे हैं हम लोग साफ कि ये दोनों तो सेम है इधर ले जाओ क्रॉस करो तो इसको उधर ले जाओ तो इधर कितना बचेगा या इधर देखो माइनस एक्स वन इक्वल टू कितना माइनस एक्स टू कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस वन डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स वन बड़ा क्या हो जाएगा एक्स टू तो ये बताइए कि एफ जो है इज वन वन है कि नहीं है हमारा ठीक है ऑन टू चेक कीजिए आप लोग ऑन टू के लिए क्या है कि मान लिया जाए क्योंकि ये हम लोग रखते हैं कि एक्स वन एलिमेंट एक्स टू एलिमेंट किसका है डोमेन का एलिमेंट सेट है उसी में क्या एलिमेंट पाया जाता है और रेंज में क्या है हमारा ओके okay. तो वाई जो है हमारा बिलोंग्स तो टू कहां पाया जाएगा वन माइनस कितना वन में जो किस में पाया जा रहा है को डोमेन बोलेंगे रेंज यहां पर दिखाना है बाईजेक्टिवर्सियब है कि नहीं तो अभी तो आप दिखा दीजिए कि ये हमारा को डोमेन लिखना पड़ेगा कोडो में कोडो में अब यह बताइए कि वाई तो मिला इसका मतलब चेक करना पड़ेगा ना कि फंक्शन में एक्स डाले होंगे तब ना वाई मिला होगा जो रियल नंबर में होगा सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के वन को छोड़ के होगा तो अब यहां पर देख लीजिए कितना है है हमारा कितना हो जाएगा एक्स बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू वन तो कितना हो जाएगा अब देखिए इसको क्या है x इक्वल टू कितना हो गया एक्स वाई माइनस वन यहां से x निकाल लो इसको उधर कर दो तो y इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स यहां से ही कितना हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए y माइनस वन तो यहीं से ना हम लोग निकाल रहे हैं कि x ही तो निकाल रहे थे कि y बाई कितना है y माइनस वन अब हम लोग चेक जो कर रहे थे क्या चेक कर रहे थे कि ये जो आउटपुट जो मिला इस फंक्शन में ये वाई इनपुट हमने एक रखा था इनपुट तो वाई आउटपुट आया था यही वाई आउटपुट तो यहाँ पे जो हम लोग रखते हैं कि इसी को मान लेते हैं कि जैसे सपोज कर लिया है कि यही ना हम लोगों को क्या मिलता है फंक्शन ऑफ़ एक्स वन इसमें रखते हैं तो फंक्शन ऑफ कितना एक्स टू जब इसको वाई माने इसका मतलब इसमें कोई एक्स रखे हैं इनपुट तो ये हमारा क्या मिला आउटपुट वाई मिला अब इस इनपुट को हमने जो x रखा इसमें y मिला तो वही x निकाल रहे कि x इनपुट क्या है भाई तो हमने देखा कि अच्छा y के फॉर्म में कितना वाई बाई वाई माइनस तो इसमें y देखो y का मतलब क्या था बोला था कि देखो यही है y पूरा रियल नंबर वन छोड़ के था ठीक क्या बोल रहे हैं कि ये x इक्वल टू इतना ये इज डिफाइंड कब हो जाएगा डिफाइंड तो बोल रहा है कि वाई जो है ना वन नहीं होना चाहिए सारा का सारा इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू सारा का सारा नंबर ले लेना लेकिन वन नहीं लेना वन लेते ही क्या हो जाएगा वन माइनस वन इक्वल टू जीरो जो अनडिफाइंड कौन डिफाइंड हो जाएगा तो इसीलिए हमारा क्या हो गया यही हमारा रेंज हो गया रेंज इसी से निकलेगा हमेशा क्योंकि ये डिफाइंड हो गया तो एक्स बराबर क्या तो यहां से बोले हैं कि एक्स बराबर जो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई तो इसी को एक्स यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर कितना वाई माइनस वाई माइनस वन या इसी को लिख देंगे कि एफ इनवर्स वेरिएबल हो गया कुछ भी एक्स है जनरली इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा आपको दोनों में से कोई भी लिख सकता है तो ये इनवर्स हो गया हमारा फंक्शन ऑफ एक्स के लिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन चलिए यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फंक्शन एफ जो है डिफाइंड है मैपिंग फ्रॉम माइनस वन टू पूरा इंटायर रियल नंबर इसका मतलब है कि माइनस वन से लेके वन तक पूरा का पूरा इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम कहा माइनस वन से वन इनपुट डालें तो उसका क्या है हमारा क्या है हमारा ये कोडोमेन और लेकिन दिखाना है कि ये जो इनपुट डाले हैं वह फंक्शन इतना इज वन वन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इसके लिए किसके लिए माइनस वन से वन के लिए इनपुट रेंज ऑफ द एफ मतलब जो फंक्शन होगा उसमें जो रेंज होगा उसके लिए निकालना है इनवर्स फंक्शन जो भी रेंज पॉसिबल होगा तो सबसे पहले देखिए वन 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 के लिए क्या करना है वन वन अभी तो करते आ रहे हैं वन वन फंक्शन के लिए तो सारे के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि दो एलिमेंट कोई ले ले रहे हैं इनपुट का जो कहाँ से पाया जा रहा है हमारा डोमेन में डोमेन से ले रहे हैं ठीक है डोमेन अब इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस इनपुट को रखें फंक्शन ऑफ एक्स के इनपुट में डालें और क्या कहते हैं एक्स टू में रखें तो कुछ आउटपुट है जब दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स वन बाई एक्स वन प्लस टू और एक्स टू बाई एक्स टू प्लस टू अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना हो गया एक्स वन एक्स टू प्लस टू आई सिक्स वन एक्स वन एक्स टू प्लस टू आई सिक्स टू तो ये तो दोनों बुआ इधर से इधर करोगे तो वही हो जाएगा कट जाएगा टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू ये नंबर है रियल नंबर तो रियल नंबर तो कट जाएगा तो हमारा फंक्शन कितना हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू कटने का मतलब ये है कि जब हमारा वन वन फंक्शन ये हमारा इसलिए एफ एज क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा और वन वन का यही मतलब होता है कभी भी बताएं कि जब हमारा इसमें एक एलिमेंट रखेंगे तो इसके एक एलिमेंट से मिलेगा दूसरा एलिमेंट जो होगा दूसरे एलिमेंट के यूनिक से मैपिंग करेगा किसी फंक्शन से तब ये वन वन फंक्सन होगा नहीं तो नहीं होगा अगर सपोज कर लीजिए थ्री का मैपिंग इससे हो गया तो मैं क्या हो जाएगा मेनी वन एक से मेनी वन का मतलब ही हो जाएगा कि वह फंक्शन नहीं हुआ मेनी वन वन का मतलब एक से एक का और मेनी वन का क्या मतलब हो गया मेनी का मतलब दो या दो से ज्यादा और भी हो सकता है फोर का मैपिंग इससे कर लीजिए तो मेनी वन इसका क्या होगा बुआ जब भी वन वन है अगर मेनी वन है तो उसके इनवर्स की तो वन वन का तो होगा लेकिन मेनी वन की बात करेंगे तो इनवर्स नहीं पॉसिबल होगा ठीक है तो क्या है हमारा दिख रहा है समझ में आ रही होगी बात सारा तो एफ क्या है हमको दिखाना था कि वन वन फंक्शन है तो वन वन के लिए यही फंडा है आसानी सा अब बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन फोर विच इज मैपिंग यहाँ अब बोलता है रेंज ऑफ मतलब ये कोडो में ना जो रेंज हमारा फंक्शन आएगा उसी के लिए इनवर्स निकालिए तो रेंज तो न, आएगा क्या अपने रेंज भी निकल जाएगा रेंज कैसे निकालिएगा सपोज कीजिए कि ऑन टू करते थे ना हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए कि मान लिया जाए कि आउटपुट मिला क्या आउटपुट मिला कि जैसे इसमें हम लोग इनपुट रखें एक्स आउटपुट क्या मिलेगा हमारा वाई तो वही बोलते हैं कि वाई जो है बिलोंग्स टू क्या है ये बिलोंग्स टू रेंज यही को बोलेंगे रेंज ऑफ एफ रेंज क्या है तो इसी में ना बोले हैं कि हम लोग बोले कि फंक्शन में एक्स इनपुट डालें तो वाई मिला तो वाई ये खोज तो खोज रहे हमारा एक्स बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू वन तो हम लोग एक्स निकालना स्टार्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस टू वाई इसमें से इसको इसको इधर ले आइए एक्स को एक तरफ टू वाई एक्स निकाल लीजिएगा तो वन माइनस वाई टू आइस वाई एक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा टू आइस बाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई अब देखिए यहां पे यही पता चल जाएगा यहां पे कि ये जो हमारा हो गया कि ये जो एक्स डोमेन है किसके फॉर्म में है टू वाई तो ये बोल रहा कि ये डिफाइंड कब होगा इज डिफाइंड बाई ये डिफाइंड कब होगा तो पूरा इंटायर स्केल के लिए चेक करते हैं क्योंकि इसी में पूरी निकालना है तो बोल रहा था कितना कि सिर्फ यहां पे y वन नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में वन माइनस वाई वन नहीं होना चाहिए मतलब y इज नॉट इक्वल टू वन अगर वन हो जाएगा तो x जो हो जाएगा वह अनडिफाइंड हो जाएगा तो रेंज कितना हो जाएगा इसलिए डिफाइंड कब हो जाएगा डिफाइंड by जब हमारा वाई का वैल्यू वाई बिलोंग्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर उसमें से वन निकाल डालो तो अगर रेंज की बात अगर पूछ दे कि रेंज कितना फंक्शन का तो क्या लिखोगे कि पूरा का पूरा रियल उसमें से वन गायब कर दो सिर्फ वन नहीं एक्सेप्टेड है तो अब इन्वर्स कितना हो जाएगा बुआ एक्स का इसलिए एक्स बराबर कितना है इतना तो इसलिए एफ इन्वर्स ऑफ एक्स डायरेक्ट लिखना होगा तो इसी को ना बोले थे एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर कितना टू वाई बाई वन माइनस वाई तो इसलिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना टू एक्स वन माइनस एक्स इसको इसको ये टोटल का टोटल आपका इनवर्स हो गया ओके